हेलो, गुड इवनिंग। एक चीज होती है मैरिज काउंसलिंग, क्या प्री मैरिज काउंसलिंग भी किसी तरह की काउंसलिंग है? दिस इज अ न्यू इमर्जिंग ट्रेंड कमिंग इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग कॉल्ड प्री मैरिटल काउंसलिंग। सो टुडे आई विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज प्री मैरिटल काउंसलिंग, फ्रॉम वेयर यू गेट प्री मैरिटल काउंसलिंग, इज इट बेनिफिशियल और नॉट, क्या शादी से पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग कराएं तो सब ठीक रहेगा, क्या ये मुझे बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा, किससे कराना चाहिए, क्या सच्ची में ये काउंसलिंग काम करती है, इसके गोल्स क्या होते हैं। तो आज ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर काउंसलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ। आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई एम फाउंडर ऑफ माई फिट ब्रेन एंड आई एम बेस्ड इन हिसार, हरियाणा। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्री मैरिटल काउंसलिंग एंड इट्स बेनिफिट। सो बिफोर आई प्रोसीड, I want you to like and share my video and don't forget to subscribe my channel because I'll be coming soon with lots more of video on premarital counseling. So let's start on what is premarital counseling. जाने ना जाने इंडिया में बहुत सी ऐसी मैरिजेस हैं जो आज भी अरेंज हो रही हैं, और अगर मैं लव मैरिज की भी बात करूं तो भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से ऐसे व्यूज़ हैं, ऐसे ओपिनियंस हैं जिसमें दोनों पार्टनर्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। शायद ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि मैं शादी के बाद जॉब कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरे इन लॉज की मेरे से एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी, हम फैमिली प्लानिंग कब करेंगे, क्या शादी के बाद हम यहीं रहने वाले हैं या यहाँ से बाहर निकल अब्रॉड जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे तो वहाँ पर सेटलमेंट कैसी होगी, मेरे और मेरे पार्टनर के व्यूज़ मेरी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही, या शादी से पहले भी जब हम घूमने जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का टेम्पो मैच करता है। बहुत बार ऐसे होता है दैट यू फील लाइक यू गाइज आर नॉट जेलिंग अप, हिज और हर फैमिली इज नॉट लाइकिंग यू, यू माइट नॉट लाइक द वे शी टॉक, शी वॉक, देर मे बी डिफरेंट इन द अंडरस्टैंडिंग व्यू पॉइंट्स, देर इज द टाइम वेयर प्री मैरिटल काउंसलिंग वर्क्स। Premarital counseling helps to make your future relation a stable and a strenuous one. जो हम अपना relationship start करने वाले हैं शादी का, उस relationship को कैसे बेहतर और बढ़िया किया जाता है, या जिस partner का मैंने इस शादी के लिए चुनाव किया है वो मेरे लिए सही भी है या नहीं है, या किस goals को apply करते हुए हम इस marriage को और बेहतर कर सकते हैं, premarital counseling इसमें आपकी help करती है। Now the question arises, who is a premarital counselor? प्री मैरिटल काउंसलर बनने के लिए एटलीस्ट आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और कुछ ऐसी छोटी छोटी वर्कशॉप्स और कोर्सेज आपको करने हैं टू बिकम अ लाइसेंस प्री मैरिटल काउंसलर। प्री मैरिटल काउंसलर एग्जैक्टली कॉल बोथ ऑफ द पार्टनर्स टुगेदर, दे विल गिव सम क्वेश्चनेयर टू बोथ ऑफ देम, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं मेल और फीमेल पार्टनर को जो उन्हें सेपरेटली भरने होते हैं, एंड वंस दे कंप्लीट देयर फॉर्म्स प्री मैरिटल काउंसलर यूज टू असेस दोज फॉर्म्स एंड देन दे कम आउट टू अ कॉमन गोल, the core on which both the partner needs to work on. एक ऐसे उद्देश्य पर पहुंचते हैं जहां पे दोनों को काम करना शुरू करना पड़ता है, ताकि शादी करने से पहले हम अपने सही गलत कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां हमें इंप्रूव करना है उसके बारे में जान लें और उसे इंप्रूव करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग कहाँ काम करती है। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो हम शादी से पहले नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे गुस्सा। अगर आपको लगता है कि शादी से पहले आपका मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो हमें एक डर पैदा हो जाता है कि शादी के बाद कैसा होगा। चाहे किसी भी तरह की मैरिज है, बहुत सी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो शादी के दौरान आपसे जुड़ जाती हैं, शायद वो नौकरी को लेकर, बच्चों को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर, घर के कामकाज को लेकर होता है, और जब वो ऐसी एक्सपेक्टेशन जिनके आंसर नहीं मिलते हैं तब प्री मैरिटल काउंसलिंग काम करती है। मैं आपको अपने केस के बारे में बताती हूँ। मेरे पास एक बैंक एम्प्लॉय आया था आज से कुछ 2 साल पहले और उसकी प्री मैरिटल काउंसलिंग मैंने किया था। वो केस बहुत ही ताज़ा है मेरे दिमाग में इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वो पर्सन शुरू से ही इंट्रोवर्ट था, इट वॉज अराउंड 35 ईयर्स, और श्योर नहीं था कि मैं शादी करूं या नहीं करूं, क्योंकि मैं कभी बाहर ही नहीं गया, मैं कभी खुला ही नहीं, मैंने कभी लड़कियों से बात नहीं की है, और अब मैं अरेंज मैरिज कर रहा हूं, आई एम नॉट श्योर आई एम गोइंग टू कीप हर हैप्पी, वो भी मेरी तरह परेशान होने वाली है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं काम पर जाता हूं, काम से जाता हूं और सो जाता हूं, मुझे नहीं पता मैं उसे समय दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, और फिर वो परेशान हो जाएगी तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा और परेशान होने लगेंगे कि हमने एक और लाइफ ख़राब कर दिया, आई एम नॉट
not sure I'm going to give her a good life and I cannot commit that I'll marry. So बहुत सी ऐसी जब उलझने आने लगती हैं शादी से पहले तब प्री मैरिटल काउंसलिंग काम करती है. आपकी सेक्स लाइफ को लेकर हो सकता है, जेंडर को लेकर हो सकता है, बच्चों की परवरिश को लेकर हो सकता है, कहाँ रहना है, नहीं रहना है, इंडियन रेजिडेंसी ज़रूरी है, बाहर जाना चाहते हैं तो आप पार्टनर को लेकर जाना चाहते हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब्स बहुत दूर होती हैं, जैसे आर्मी पर्सन है, नेवी पर्सन है, ऐसे में फैमिली नाइट ड्यूटी करते हैं लोग, ऐसे में नई लड़की नई फैमिली कैसे एडजस्ट करेगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्री मैरिटल काउंसलिंग करना. नाउ कम द टैबू कि शादी से पहले अगर हम किसी को प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए लाते हैं तो वो क्या सोचेंगे. देखिए, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि मुझे यही पार्टनर चाहिए और इसकी बॉन्डिंग मेरे साथ अच्छी है, तो अगर आप अपने लाइफ के किसी एक्सपेक्ट पे मिलके काम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. बाद में हम किसी ऐसे रिश्ते की तरफ मूव कर जाएँ जहाँ दो या चार परिवार आपस में मिले जुले हैं और फिर हम एक ऐसे स्टेप पर पहुँचे हमें डाइवोर्स के लिए फाइल करना पड़ रहा है और फ्रीक्वेंट लड़ाइयाँ हो रही हैं, उससे बेटर ये है कि अगर आपको कहीं ना कहीं छोटा सा चिंगारी भी महसूस होती है तो प्रीमैरिटल काउंसलिंग आपकी हेल्प कर सकती है. सो आई होप मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी कि प्रीमैरिटल काउंसलर कैसे काम करता है और प्रीमैरिटल काउंसलिंग क्यों करानी चाहिए, किस लिए करानी चाहिए और कराएंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा, वो आपकी मैरिज को कैसे एक अच्छा वे आउट दे सकती है. सो आई होप दिस वीडियो क्लियर ऑल योर डाउट्स. सो यू नीड टू बी कनेक्टेड विद मी. और कनेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर करेंगे. और मैं एडवाइस करूंगी कि अगर आपकी भी शादी होने वाली है तो एक या दो सेशन प्री मैरिटल काउंसलिंग के लेने में कोई बुराई नहीं है. एटलीस्ट यू एबल टू अंडरस्टैंड द पार्टनर यू आर चूजिंग फॉर होल ऑफ योर लाइफ इज अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी और नॉट. बहुत सी ऐसी शादी जहां कॉमन विजन या कॉमन गोल नहीं होता तो शादियां बस चल रही होती हैं, उनके अंदर कोई सोल नहीं होता. तो कोशिश करें कि अगर हमारे प्रिकॉशियस स्टेप लेने से मैं अपने लाइफ पार्टनर को वाइजली चूज कर सकती हूं तो व्हाई नॉट टू गो फॉर इट.